मुजफ्फरनगर में बच्चों की मौत और अस्पताल की बदहाली का मामला शांत भी नहीं हुआ था, तभी दरभंगा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही आई है। यहाँ एक डॉक्टर ने एक बच्चे के टूटे हुए हाथ की जगह दाएं हाथ पर प्लास्टर कर दिया। दरअसल हनुमान नगर के रहने वाले मासूम फैजान आम के पेड़ से गिर गया था और इस हादसे में उसके बाएं हाथ की हड्डी टूट गई थी। परिजन फैजान की दरभंगा के DMH इलाज में कर रहे थे। यहाँ एक्सरे में यह पता लगा कि बच्चे के बाएं हाथ में फ्रैक्चर है, लेकिन डॉक्टर ने बच्चे के टूटे हुए हाथ के बदले बच्चे के दाहिने हाथ पर प्लास्टर किया। आश्चर्य की बात यह है कि बच्चे ने डॉक्टर को अंदर प्लास्टर के समय बताया, लेकिन सभी उसकी बातों को अनसुना कर रहे थे, जबकि डॉक्टर के लिए प्रिंसिपल में बाएं हाथ टूटने के बारे में लिखा हुआ था। BM News 24 की रिपोर्ट।